दोस्तों साल 2023 में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई, चाहे साउथ की हो या बॉलीवुड की। अगर साउथ की बात करें तो जेलर, लियो ऐसी फिल्में थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ कमाई नहीं की बल्कि इतिहास रचा। अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो शाहरुख खान की पठान से लेकर जवान तक, और इसके अलावा गदर 2, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पे एनिमल, और इसके अलावा आदि पुरुष की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों अब तक बॉलीवुड के साल 2023 में या साउथ के जितने भी बड़े रिकॉर्ड बने थे, प्रभास की फिल्म सलार ने सारे एक एक करके सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। साल 2023 में कोई भी ऐसा बड़ा रिकॉर्ड नहीं बचा है जो सलार ने नहीं तोड़ा। शायद आपको यह अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है। उम्मीदों से कई गुना ज्यादा अपने पहले दिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, और सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि ओवरसीज में भी। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो दोस्तों साल 2023 में शाहरुख खान की जवान हो या रजनीकांत आंसर की जेलर, पठान हो या कोई भी फिल्म हो, यूएसए में आज तक कोई भी फिल्म इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं कर पाई जितना कि प्रभास की सलार करने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जहां एक तरफ बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म डंकी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, और फिल्म को आज अपने पहले ही दिन शानदार रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आज अपने पहले ही दिन कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फैंस का इंतजार पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि कल यानी कि 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है प्रभास की मच अवेटेड फिल्म सलार, जिसका फैंस को सालों से इंतजार था। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, सलार फिल्म अपने फर्स्ट डे के लिए इंडिया के अंदर अभी तक टोटल कितनी एडवांस कर चुकी है, ओवरसीज से कितनी एडवांस हो चुकी है, और कल जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो अपने फर्स्ट डे पर वर्ल्ड वाइड में कितनी ओपनिंग यह फिल्म करती हुई हमें नजर आएगी, और शाहरुख खान की फिल्म डंकी आज अपने पहले दिन इंडिया के अंदर, ओवरसीज के अंदर कुल मिला के फिल्म की जो आज वर्ल्ड वाइड ओपनिंग रही वो कितनी रही। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले, अगर आप प्रभास डायनासोर और बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा मैं डंकी की, क्योंकि डंकी राजकुमार ईरानी के डायरेक्शन में बनी थी जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में थी। इससे पहले शाहरुख खान की जवान और पठान इसी साल 2023 में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, तो यही वजह थी कि डंकी पर सभी की नजरें थी कि आखिरकार जब डंकी रिलीज होगी तो क्या ये भी वैसा ही कलेक्शन करेगी। और बिल्कुल दोस्तों ये सच हुआ है, क्योंकि डंकी फिल्म को जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर आज अपने पहले दिन रिस्पॉन्स मिला है वो वाकई शानदार है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि फिल्म में हमें शाहरुख खान के साथ विक्की कौशल, तापसी पन्नू, बमन ईरानी नजर आने वाले हैं, और फिल्म का जो बजट है वो दोस्तों उतना ज्यादा नहीं है, 150 करोड़ रुपए से भी कम का बजट है फिल्म का, और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट और सुपर हिट होने के लिए सिर्फ 200 करोड़ रुपए कमाने। लेकिन बात करूं मैं आज फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी वो लगभग 32% की थी, फिर जो आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी रही वो 40% से ज्यादा की रही, अब इवनिंग की जो ऑक्यूपेंसी है वो और भी ज्यादा बढ़िया है, यानी कि 48% की ऑक्यूपेंसी, यानी कि जो नाइट की ऑक्यूपेंसी रहेगी वो आप मान के चलिए 60% से ज्यादा की रहेगी, यानी कि फिल्म के जो ऑलमोस्ट शो है वो ज्यादातर हाउसफुल ही रहेंगे। तो फिल्म आज अपने फर्स्ट डे पर इंडिया के अंदर कम से कम 35 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले रही है। जा दोस्तों 35 करोड़ रुपए आज अपने फर्स्ट डे पर फिल्म डंकी सिर्फ इंडिया से करेगी, और फिल्म की जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस ओपनिंग होगी वो होगी लगभग 80 करोड़ रुपए, और मैं कहूंगा अपने आप में एक बहुत बड़े नंबर है, क्योंकि 80 करोड़ रुपए फिल्म ओपनिंग कर रही है। कल फिल्म का कलेक्शन भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन सैटरडे और संडे फिर से फिल्म तूफान मचाएगी। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं फिल्म सलार की, तो सलार की मैं जितनी तारीफें करूं कम है भाई साहब, इस फिल्म ने पूरी तबाही मचा दी है साल 2023 में। आपने अगर मैं बड़ी ओपनर फिल्मों की बात करूं बॉलीवुड की, तो आदि पुरुष ने 145 करोड़, शाहरुख खान की जवान ने 129 करोड़, पठान ने 107 करोड़ रुपए के आसपास, और इसके अलावा एनिमल ने 116 करोड़ रुपए। ये बॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में थी, लेकिन यहां पे सलार फिल्म ने बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एडवांस बुकिंग की बात करूं, अभी तक फर्स्ट डे के लिए फिल्म ने जो इंडिया के अंदर एडवांस की है दोस्तों वो 40 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया, यानी कि अगर हाईएस्ट एडवांस की बात करूं तो शाहरुख खान की जो जवान फिल्म थी उसने लगभग 42 करोड़ रुपए के आसपास की एडवांस बुकिंग की थी, तो यहां पे 42 करोड़ भी पीछे, यानी कि एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। और ये सिर्फ इंडिया की बात फिलहाल मैं कर रहा हूं, ओवरसीज का भी मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं है, क्योंकि यहां पे इंडिया में फिलहाल जिस तरह से परफॉर्म कर रही है तेलुगु भाषा में, तो ये रिस्पॉन्स मिल रही है, क्योंकि तेलुगु का असली सुपरस्टार वो प्रभास ही है।
इसके अलावा मलयालम में फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस हो चुकी है। तमिल में भी फिल्म ने 1.5 करोड़ रुपए की एडवांस कर ली है। अगर मैं हिंदी भाषा की बात करूं तो बढ़िया रिस्पॉन्स, बढ़िया से बढ़िया रिस्पॉन्स, यानी कि 4 करोड़ रुपए तक की फिल्म ने अभी तक एडवांस कर लिए। इसके अलावा तेलुगु आईमैक्स 2D में बहुत अच्छी एडवांस चल रही है, हिंदी आईमैक्स 2D में बहुत अच्छी एडवांस चल रही है, यानी कि 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस फिल्म अभी तक कर चुकी है। और कुल मिला के अभी फिल्म को रिलीज होने में कुछ घंटे बाकी है, तो प्रशांत नील की जो डायरेक्शन में बनी है फिल्म सलार, जिसमें हमें प्रभास के साथ पृथ्वीराज, सुकुमारान, श्रुति हसन, जगपति बाबू नजर आने वाले, तो अपने फर्स्ट डे पर यह फिल्म पूरे वर्ल्ड में कम से कम 180 करोड़ रुपए की ओपनिंग करती हुई हमें नजर आएगी। जहां दोस्तों में इंडिया ओवरसीज का मिला के आपको बता रहा हूं, जो वर्ल्ड वाइड ओपनिंग होने वाली है फिल्म सलार की, वो लगभग 180 करोड़, और दोस्तों इससे ऊपर ही जा सकता है, इससे ऊपर भी जा सकता है, ये मैं आपसे पहले कह रहा हूं, क्योंकि फिल्म को लेके बहुत ज्यादा क्रेज हमें दिख रहा है। और साल 2023 में जितनी भी बड़ी ओपनर फिल्में थी या जितनी भी बड़ी कमाई करने वाली फिल्में हैं, वो सब फिल्मों को सलार फिल्म पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आपने सबसे ज्यादा किस फिल्म का इंतजार किया है, शाहरुख खान की डंकी का या फिर सलार का, कमेंट में जरूर बताइएगा।